रीवा जिले के नए एसपी के रूप में आज नवनीत भसीन ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि यहां के जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन, नगर निगम और जन सामान्य से मुलाकात कर यहां की चुनौतियों को समझते हुए आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। नवागत एसपी नवनीत भसीन ने कहा कि जिले को अपराध मुक्त एवं नशा मुक्त बनाना उनकी प्राथमिकता में होगा। बता दें कि एमपी में आईएएस आईपीएस के बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं। इन तबादलों में रीवा के कप्तान की जिम्मेदारी नवनीत भसीन को सौंपी गई है। वह अब तक पुलिस मुख्यालय भोपाल में सहायक पुलिस महानिरीक्षक पद पर तैनात रहे। वहीं रीवा के मौजूदा एसपी राकेश कुमार सिंह को 13वीं वाहिनी विश्वबल ग्वालियर का दायित्व सौंपा गया है। आपको बता दें कि नवनीत भसीन मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के मूल निवासी हैं। वह 2009 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अफसर हैं। नवनीत खंडवा ग्वालियर में पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं। दोनों ही जिलों में बतौर एसपी उन्होंने अपराध पर काफी अंकुश लगा दिया था। उनकी गिनती प्रदेश के गिने चुने तेज तर्रार पुलिस अफसरों में होती है। नवनीत भसीन के ग्वालियर में एसपी रहते अपराध का ग्राफ काफी नीचे गिर गया था। ग्वालियर का कार्यकाल भी अपराधियों के लिए काल साबित हुआ। आईपीएस नवनीत भसीन का मानना है कि पुलिस अधिकारियों से लेकर पुलिस कर्मियों तक सभी को जनता के साथ मधुर संबंध रखना चाहिए। वह कहते हैं कि हम सभी जनता की सेवा और उनकी रक्षा के लिए पुलिस की सर्विस में आए हैं। ऐसे में जनता के साथ घुल मिलकर उनके अपनेपन के साथ ही किसी भी स्थान की कानून व्यवस्था दुरुस्त की जा सकती है। अभी मैंने आज ज्वाइन किया है और रीवा में जितने भी माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, जिला प्रशासन है, नगर निगम है, पत्रकार बंधु हैं और आम जनता के बीच से भी जो लोग पुलिस से संपर्क संवाद रख के अपनी बात रखना चाहते हैं, उसके पश्चात ही जिले में यहाँ के लोगों की प्राथमिकताओं के अनुसार क्या समस्या है, क्या चैलेंज है, उस पर काम शुरू किया जाएगा। और मैं आप लोगों से पहली मुलाकात में ही कहना चाहता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट और पत्रकार बंधु आपस में जब मिलकर काम करते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे भी आते हैं और जल्दी भी आते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास जो महत्वपूर्ण सूचना जानकारी है वो हम तक अगर समय तक पहुँचें तो हम लोग उस पर रिस्पॉन्ड भी फास्ट करेंगे और मिलकर प्रयास करेंगे तो काफ़ी अच्छे परिणाम अतिशीघ्र हम लोग देंगे। सर, इवन नशे का एक हब बन चुका है, कोरेट से गांजा काफी मात्रा में कार्रवाइयां भी बहुत हुई हैं, तो इसके आगे किस तरह से क्या योजना रहेगी, कैसे कार्रवाई करें? मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि मैं सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों से मिलकर जिला प्रशासन, नगर निगम, सभी डिपार्टमेंट प्लस मीडिया के सभी पत्रकार बंधु प्लस आम जनता के बीच से लोग सूचना देने में इच्छुक रहते हैं, सबके साथ मिलकर काम करने में यकीन रखता हूँ। पूर्व में मेरी सीधी जिले में पदस्थापना के दौरान सबसे पहले कोरेक्स पर कार्रवाई, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, हमने शुरुआत की थी। एनडीपीएस एक्ट सबसे पहले तभी लगाया गया था 2013 में, और जैसा आप बता रहे हैं कि यहाँ समस्या भी है, तो कितना इन्फॉर्मेशन आप लोग देंगे और हमारा डिपार्टमेंट में भी जिन लोगों के पास जानकारी होगी उसके पश्चात हम लोग उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे।